लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को गुरु गोरक्षनाथ घाट पर गुरुवार की सुबह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान व्रती महिलाओं ने उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देकर अपने संतान की लंबी उम्र की कामना की। आपको बता दें कि छठ पूजा जनपद के 390 घाटों पर संपन्न हुआ, जिसमें व्रती महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर 36 घंटे के व्रत का समापन किया। इसी के साथ छठ व्रत का समापन हुआ। इस दौरान घाटों पर मेले जैसा माहौल रहा। भोर की ठंड के बाद भी आस्था में कहीं भी कमी नहीं दिखाई दी। वहीं घाटों पर सूर्य के उगने का इंतजार व्रती महिलाएं कर रही थी, लेकिन जो ही सूर्यदेव का दर्शन हुआ, महिलाओं ने खड़े होकर उन्हें अर्घ्य दिया तथा छठ माता से अपने पुत्र की लंबी उम्र व लोक कल्याण की कामना की। वहीं महिलाओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए, इसके लिए प्रशासन द्वारा पर्याप्त मात्रा में सादी वर्दी में महिला व पुरुष सिपाहियों व उप निरीक्षक की ड्यूटी लगाई गई थी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए व्रती महिलाएं एवं SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, हाँ।
जाता है, इसीलिए छठ की पूजा किया जाता है। कभी बेटे के लिए, कभी सुहाग के लिए, कभी और मनोकामना नौकरी के लिए, अपनी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाता है अपनी छठ माता की पूजा से। व्रत करते हैं सब पूरा होता है, माता रानी की कृपा है, छठी माता का सब अच्छा हो जाता है। 20 साल हो गए हमको व्रत करते हैं। पुत्र के लिए, परिवार के लिए, पति के लिए, सुख संपदा अच्छा रहे, सब कुछ स्वास्थ्य के लिए। छठ पूजा संपन्न हुआ, छठ पूजा में 1 CO, 4 इंस्पेक्टर और 45 कांस्टेबल्स की ड्यूटी लगाई गई थी। इसके अलावा महिला कांस्टेबल की और सादे में भी कांस्टेबल्स की ड्यूटी लगाई गई थी। पुलिस पूरी तरह से सतर्क रही, कोई भी घटना नहीं होने पाई और पूर्ण शांति के साथ छठ पर्व संपन्न हुआ। लोगों का कितना सहयोग रहा? बहुत सहयोग रहा, लोगों ने भी बहुत सहयोग किया, बहुत अनुशासित तरीके से छठ पर्व मनाया गया।